हाय गाइस, 2-3 दिन से मूड ऑफ था इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आपका मूड ठीक होता है तो ही आप किसी से बात कर सकते हैं ना, नकली काम तो होता नहीं है मुझसे। मेरा अगर मूड ठीक नहीं है तो मैं आप लोगों से बात कैसे कर पाऊँगी, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। आई थिंक आज 2 दिन या 3 दिन हो गए हैं। आज कल दिन भर बिस्तर पे ही थी, कोई काम नहीं था, और आज बाहर निकल गई मैं। एक ब्लॉक पे किसी को आलू गोभी खाता हुआ देखा तो मेरा गोभी खत्म हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं भी आज आलू गोभी खाऊंगी। मैं गोभी लेने के लिए बाहर निकल गई। बाकी गाड़ी में मैंने सोचा कि तेल पानी चेक करवा लूँ क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही है, और मेरी आदत है कि मैं तेल पानी चेक नहीं कराती हूँ, बस ऐसे ही निकल पड़ती हूँ। उससे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मैं 2 गाड़ी का इंजन सीज करवा चुकी हूँ रास्ते में। एक को जयपुर में लांसर था, वो जयपुर इंजन सीज करवाया, और सफारी था वो क्रूज। हाँ, तो 2 गाड़ी का मैं नुकसान कर चुकी हूँ, और अभी मैंने सोचा कि बाहर निकल ही रही हूँ तो तेल पानी चेक करवा लेती हूँ। क्योंकि तेल पानी तो जैसे बॉडी में चाहिए वैसे गाड़ी में भी चाहिए तेल पानी, और कूलेंट तो सबसे पहले चाहिए। आपका एसी चल रहा है तो एसी भी चलने के लिए, एसी भी चलने के लिए आपको कूलेंट डालना जरूरी है, तो कूलेंट भी चेक करवा रही हूँ। उसको बुला बुला उसको। अरे वो एसी ऑन करती हूँ तो हवा लगता नहीं है उसका, पता नहीं एसी ऑन हो जाता है लेकिन कूलिंग नहीं आता है उसका, तो मैंने सोचा कि उसको भी चेक करा लेती हूँ। उसको भी चेक करा लेती हूँ। फिर यहाँ से बगल में मंडी है, फिर मंडी की तरफ से निकलते हुए सब्जी लेते हुए फिर घर पहुँच जाऊँगी, फिर आपको सब्जी लेके मिलती हूँ। हर साल गैस लीक हो जाता है, हर साल पैसे भरती हूँ, इतने इतने पैसे ले लेते हैं ये लोग। अभी भी कह रहा है गैस लीक हो रहा है, पैसे दे दो। मैंने बोला खबरदार पैसे मांगे तो, पता नहीं क्या कौन सा गैस भरता है जो हर साल लीक हो जाता है। जल्दी भर इसके अंदर गैस, मैंने कहा चालू करके दे इसको, पूरा मत भर लेकिन चालू करके दे, फिर जब कूलिंग आएगा नहीं थोड़ा सा फिर लगेगा कि हाँ पैसे देने हैं, तो फिर पैसे देके करवाऊंगी। अभी मैंने कहा इस सीजन का पहले चालू कर, निकाल दिया तूने गैस, अभी गैस भर रहा है। माता रानी के दरबार सज गया है, आज माता रानी आने वाली है। सबने तैयारी कर ली होगी, मैंने भी कर ली है। नहीं थोड़ा बड़ा, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ, और पूरी मंडी घूम गई हूँ, जाम की वजह से पूरा मंडी घूम गई, सब्जी नहीं मिला, और फिर वापस आई हूँ, और फिर वापस आके फिर रास्ते में सब्जी ले रही हूँ। देखो कितनी बेवकूफ़ी करती हूँ ना कई बार मैं। अब पूरे मंडी, पूरे रास्ते सब्जी नहीं दिखा तो मैं क्या करूँ। अभी ले रही हूँ सारी सब्जियाँ, छाँट छाँट के ले रही हूँ ताकि मेरा 1 हफ्ता चल जाए। और तेल पानी चेक करा लिया गाड़ी में, हवा हवा सब चेक करा लिया, गैस वैस डलवा लिया। बड़ी परेशानी होती है कई बार गाड़ी आपकी ठीक नहीं हो तो। कूलेंट तो बिल्कुल ही ख़त्म था, कूलेंट डलवाया, नहीं तो मैं तो मर जाती, किसी दिन रास्ते में ही रह जाती मैं। इतनी सी सब्जी है, देखो 3 सब्जी है ये, एक घिया है, एक गोभी है, और ये थोड़ी सी भिंडी है और परवल है। ये देखो 4 सब्जी है ये, और ये 1 हफ्ते की। अब आप कहेंगे 1 हफ्ता क्यों, तो कई बार गैप भी हो जाता है ना, कई बार तो मैं खाना बनाती नहीं हूँ और खाती भी नहीं हूँ, इसलिए 1 हफ्ता लगेगा मुझे। अब मैं बनाऊँगी परवल, क्योंकि मेरे मुंह में आ रहा है परवल का टेस्ट, तो परवल बनाने वाली हूँ। आप भी खाते होंगे परवल ना, कैसे खाते हैं बताइएगा, कैसे बनाते हैं। ये है मेरा परवल और आलू का सब्जी, ये दही है, और ये एक चपाती है, बस आ जाइए खाने के लिए। 1:45 हो रहा है, भूख लग रही है बहुत तेज की। सुबह से दूध खत्म हो रहा था, शाम की वेट कर रही थी, फिर शाम होगा तो दूध लेने जाऊंगी। टीवी चल रहा है, उसको स्लो कर दूं मैं, कि दूध लेने जाऊंगी। फिर दूध लेके आई, फिर एक ये चिप्स लेके आई,
क्योंकि कई बार मेरे को भूख लगती है ना तो यही खाने का मन करता है। 2 बजे मैंने रोटी खाया था जब आपके सामने, तब तो मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी, और सोने के बाद जब उठी हो ना तो इतनी भयंकर भूख लगी ना मुझे, मैंने सोचा क्या करूं, क्योंकि फालतू की चीजें होती नहीं है मेरे पास खाने के लिए, क्योंकि रखती हूँ तो फिर मेरा खाने का मन करता है तो वो रखती नहीं हूँ मैं। तो फिर मैंने खीरा काट के खाया, खीरा के बाद फिर मैंने थोड़ी सी बिस्किट खाई और भूख खत्म नहीं हुआ। कई बार बहुत भयंकर भूख लगती है। फिर मैं नीचे गई दूध लेने के लिए, तो एक चिप्स का पैकेट लेके आई, चिप्स खाई हूँ तब थोड़ी शांति हुई। और अब वही दोपहर वाला आलू परवल का सब्जी रखा हुआ है, अब सोच रही हूँ थोड़ा सा दाल बनाने के लिए, दाल बना के फिर मैं खाऊंगी। और वॉक करने गई थी, भूख के मारे मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं वॉक करूँ, और लोग तो वॉक कर रहे थे लेकिन मेरे को भीड़ में वॉक करने का मज़ा नहीं आता, मैं तो अकेले ही करती हूँ तो भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बात नहीं करती मैं किसी से। और बाकी आज का दिन ठीक था, आप लोग बताइए कैसे हैं। अब दोबारा मैं परवल की सब्जी ही खाऊंगी, बाकी आप लोग क्या खा रहे हैं बताइएगा। तेल पानी मैंने चेक कराया आज गाड़ी का, अच्छा लग रहा है मुझे। एक पार्ट उसका उसने निकाला था एसी का, तो उसको उसने फेंक दिया था, तो मैंने बोला मेरे को तो याद रहेगा नहीं, तो वो पुराना वाला इतना ऐसे से करके झाड़ रहा था जब जमीन में, तो इतना काला काला मिट्टी निकल रहा था उसमें से, मैंने कहा ये गाड़ी के अंदर कुछ होता है तो उसके अंदर मिट्टी कैसे घुस जाता है, इतना सारा धुआं जैसा काला काला पाउडर जैसा कुछ, पोल्यूशन जैसा काला काला सा पाउडर गिर रहा था। तो अब उसको रखा है मैंने पुराने वाले को, अब उस रोड पर जाऊँगी जहाँ वो सामान मिलता है तो फिर मैं उसको लेके आऊँगी। और कूलेंट वगैरह डलवा लिया, गाड़ी फिट हो गई है कहीं जाने के लिए, लंबे लंबे रास्ते में जाने के लिए, लंबे रास्ते में अभी नहीं जा रही हूँ मैं। और बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं। चलिए बाकी अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, कुछ भी खाइए कुछ भी कीजिए, मस्त रहिए मेरी तरह। मैं बोलती हूँ लेकिन मस्त होती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ बहुत मस्त रहने की लेकिन हो नहीं पाती हूँ। और खाली आदमी दिन भर अकेला जो घर पे रहेगा वो कहाँ मस्ती करेगा। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, बाकी जो मन में आए वो कीजिए। चलिए बाय बाय। आज तो भूख लग रही है बहुत तेज़ की, टाइम से ही भूख लग गया, वो ऐसा कभी कभी ही होता है। आइए आपको दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ।